एक आम सा तासुर है, लोग घबरा रहे हैं ये ट्रांसप्लांट क्या चीज़ है, वो अजूबा चीज़ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने एक नॉर्मल सी सर्जरी उसके लिए जाना है और आपका कुछ ऐसा वक्त है जिसमें आपने बैठना है और आपकी सर्जरी हो जानी है। आपकी शख्सियत में मैं कोई भी, मैं तो एक शो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल आदमी भी अपने आप को एक अच्छा लुक देखना चाहता है शीशे में, जब वो देखे कहीं निकले कोई उसे देखे तो एक अच्छा लुक उसका हो, और वो लुक उसके जो लुक है उसमें बहुत ज़्यादा जो असर डालती है उसकी शख्सियत पर वो है बाल। मोस्टली ये हमारे मुल्क में नहीं है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देख लें कहीं भी बाल लोगों के गिरते हैं और गंजेपन की सूरत में सामने आते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है, अब टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सो एडवांस, अब लोगों में एक बहुत सी अवेयरनेस आ गई, बहुत सी चीज़ों में, बहुत से प्रोडक्ट्स में। इसी तरह आप बालों को भी ले सकते हैं, आप अपनी शख्सियत को मुनफरद करने के लिए, यानी कि मैंने अगर इसको चूज़ किया था क्योंकि मेरे शुरू से इंतखाब हेयर क्लब रहा है, और मैंने जब ट्रांसप्लांट के लिए सोचा तो मैंने, मुझे कोई इतनी डिटेल में नहीं जाना पड़ा, मैंने सिंपल सा आके यहाँ विजिट किया और मैंने देखा कि हेयर ट्रांसप्लांट व्हाट एग्जैक्टली ये है क्या, तो इट्स अ नॉर्मल सर्जरी, और आप उसके बाद आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल ही आप जो आपके पहले वाले बाल थे वैसे हो जाते हैं, लेकिन ये कि आपका 65-70% तक बहुत असर पड़ जाता है।